जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। रविवार के दिन शाम के समय यदि घर के मेन गेट पर दोनों ओर शुद्ध घी का दीपक लगाया जाए, इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश तो होता ही है। और ऐसा माना जाता है जब भी देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जिस घर के मेन गेट पर दीपक लगा होता है उसी घर में प्रवेश कर जाते हैं और उस घर में रहने वाले लोगों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। रविवार का दिन स्पेशली यदि आप शाम के समय अपने मेन गेट के दोनों ओर शुद्ध घी का दीपक लगाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आप साथ ही रविवार के दिन घर के सभी सदस्यों को अपने माथे पर यदि सफेद चंदन का तिलक लगाएं तो इसे घर में रहने वाले सभी लोगों का मन शांत रहता है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सुबह जब स्नान करके अपने घर में मंदिर में पूजन करते हैं तो थोड़ा सा सफ़ेद चंदन भगवान को भी समर्पित करें, जो भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं। और उसके बाद जो भी आपके घर के सदस्य यदि जो सफ़ेद चंदन लगा सकते हैं, आपका कहना मानते हैं, उन्हें अवश्य, बल्कि अपने बच्चों को तो अवश्य लगाना चाहिए चंदन का तिलक लगाएं। अपने हस्बैंड को, अपने पति को चंदन का तिलक लगाएं और स्वयं भी चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से दिन भर आप तरोताजा महसूस करेंगे, पॉजिटिविटी महसूस करेंगे और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं तो रविवार के दिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को और माता पार्वती को रुद्राक्ष अर्पित करें। यदि आपके पास गौरी शंकर रुद्राक्ष है तो अवश्य यह कार्य करें। इस उपाय से पैसों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार के दिन संध्या के समय पीपल के पत्ते पर लाल चंदन पाउडर और पानी मिलाकर घोल लें आप, और तर्जनी उंगली, राइट हैंड की तर्जनी उंगली, इससे अपनी मनोकामना लिखकर और पत्ते को लाल धागे से मोड़कर बांधते हुए बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा कर देखें आप, बहुत ही जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, जो भी आप उस पत्ते पर लिखते हैं अवश्य वो कार्य होता है। कर देखें, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। इसी प्रकार रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है, तो सभी जानते हैं। इस दिन भगवान सूर्य की विशेष कृपा पाने के लिए आप जल तो चढ़ाते ही होंगे, जल अवश्य समर्पित करते होंगे, लेकिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। यह यदि आप करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही रविवार के दिन आप चींटियों को आटा मिलाकर, शक्कर, आटे में शक्कर मिलाकर यदि डालते हैं और चींटियों का भोजन के इंतजाम करते हैं तो प्रभु आपके भोजन का इंतजाम करते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा कर्ज से भी अटे पड़े हैं, यदि बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है तो भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। और इसी प्रकार रविवार के दिन आटे की गोलियां बनाकर यदि आपके आसपास कोई ऐसा नदी है या कोई पानी का ऐसा स्थल है जहां मछलियां हों तो आप अवश्य मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें। ऐसा करने से, इस उपाय को करने से पैसों की सारी दिक्कतें आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन यदि आप करते हैं तो आपको अवश्य इसका फ़ायदा मिलता है। कर देखें। ओम नमः शिवाय।